हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मसाला दलिया। वैसे तो दलिया बहुत ही हेल्दी होता है, पर इसे हर कोई खाना पसंद नहीं करता इसकी टेस्ट की वजह से। तो आज मैं आपको जिस तरीके से बनाऊंगी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए दलिया, यानी ये मैंने करीब एक कटोरी से थोड़ा सा कम दलिया लिया है, और ये रफली चॉप किए हुए टमाटर, प्याज, और ये दो हरी मिर्च। और मसालों में मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दलिया को अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। ये मैंने दलिया को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। चलिए अब हम गैस पर कुकर रख देते हैं। ये मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप जब भी दलिया बनाए ना तो मस्टर्ड ऑयल या फिर घी का यूज़ करें, कभी भी रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें, उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, या तो मस्टर्ड ऑयल या तो घी। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मिक्सअप, यानी जो मेथी, ज्वाइन, सौंफ, इन सब का जो मिक्सअप होता है ना, वो यूज़ करेंगे। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर दें। आप चाहे तो सिर्फ मेथी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ जीरा यूज़ करते हैं, जो भी आपको पसंद है सिर्फ वही यूज़ करिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। इन सबको हम थोड़ी देर के लिए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि ये जले ना। ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये कटे हुए टमाटर और दलिया। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से मिला देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। ये मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मसाले डालने का, और इसे हम 2-3 मिनट के लिए हल्का सा भून देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने अनुसार ले लें, आप जैसा भी खाते हो। सबको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। वैसे दलिया बहुत ही हेल्दी होता है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप उसमें दलिया खाइए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 कप के करीब पानी। ये मैंने 2 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम कुकर बंद कर देंगे, और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ी देर हम कुकर को ठंडा होने के बाद हम इसे ओपन कर रहे हैं। ये जो हमारा दलिया है वो बन के तैयार है, एकदम बढ़िया सा दलिया। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको खिचड़ी पसंद है ना तो ये तो डेफिनेटली आपको पसंद आने ही वाला है। आप इसमें ना और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है मैगी मसाला। मेरे पास मैगी मसाला नहीं था इसलिए मैं उसे ऐड नहीं कर पाई। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में, मतलब जब भी आपका मन करे कुछ लाइट खाने का तो आप इसे बनाइए और खाइए, बहुत ही सही लगता है ये। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से थोड़ा सा लेमन। अगर आपको नहीं पसंद है तो ये भी स्किप कर सकते हैं आप। और बस डेकोर करने के लिए छोटा सा पुदीना का पत्ता। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।